तो अब विंटर्स ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह शाम काफ़ी हद तक ठंडक आ गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने बोगनवेलिया की केयर करनी है इस विंटर सीजन में, ताकि वो मैक्सिमम ब्लूम आप लोगों को दे सके। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस चैनल पर DIY डेकोर और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो बोगनवेलिया एक पेरिनियल प्लांट है, लेकिन समर में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, मैक्सिमम ब्लूम देता है। ऐसा नहीं है कि विंटर सीज़न में ये ब्लूम नहीं करता, विंटर सीज़न में भी ये ब्लूम करता है, लेकिन कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसको सन चाहिए अपने मैक्सिमम ब्लूम के लिए, यानी जब विंटर सीज़न आएगा तो आपको इसको ऐसी जगह पर शिफ्ट करना होगा जहाँ पर इसको 4 से 5 घंटे की धूप बहुत अच्छे से मिले, तभी आपका बोगनवेलिया बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा। अब जैसे मेरा ये जो प्लांट है ये पूरे सन में रखा है, यहाँ ये मेरा शेडी एरिया है जहाँ पर मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं जो कम धूप वाले प्लांट हैं, और जब मैं इनसे बाहर निकलती हूँ तो यहाँ पर मेरा रखा हुआ है बोगनवेलिया, यहाँ पर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। अभी पीछे फेस्टिवल्स चल रहे थे और मैं 2-4 दिन के लिए घर से बाहर भी थी, इसलिए थोड़ा सा डल हो गया क्योंकि अभी पानी प्रॉपर नहीं दिया गया है। अब जब इसे पानी प्रॉपर दूंगी तो ये फिर बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। अब पानी का इसका सीन है कि इसे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। अगर आप इसे 2-4 दिन पानी नहीं भी देंगे तब ये बहुत अच्छे से सस्टेन करेगा। हाँ, ओवर वाटरिंग आपको इसकी बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग करने से आपका बोगनवेलिया का प्लांट डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा, रूट रॉट तो हो ही जाएगा, साथ में फ्लावर भी नहीं करेगा। आप इसे जितना कम पानी देंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बोगनवेलिया के प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। आप ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे फ्लावर्स भी इस टाइम मेरे प्लांट में निकल रहे हैं, और धीरे धीरे ये बिल्कुल फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो पूरा प्लांट है ये फ्लावर से भर जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने छोटे छोटे बंचेज इसमें, मतलब एक पूरी टहनी पर एक पूरा बंच आ जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें ये देखिए कितने पत्ते हैं। अगर आपके बोगनवेलिया में पत्ते ज़्यादा हैं तो वो ब्लूम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको 1, 2, 3, 4 का रूल चलाना है, यानी 1, 2, 3, 4 और फोर्थ पत्ता आपको रिमूव कर देना है। अगेन 1, 2, 3, 4 और फोर्थ पत्ता आपको रिमूव कर देना है। इस तरह से आप इसका 1, 2, 3, 4 का रूल अपनाएं और अपने बोगनवेलिया के पत्ते कम कर दें। जब इसके पत्ते कम हो जाएंगे तब ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी फ्लावर बनाने में करेगा। ये टिप बहुत खास है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने बहुत सारे बोगनवेलिया में ट्राई किए हुए हैं। ये देखिए अब जहाँ पर ये ब्रांच पे है इस पर पूरा बंच सिर्फ फ्लावर्स का है, इस पर कोई भी पत्ते नहीं है। तो जितने कम पत्ते आपके बोगनवेलिया में होंगे उतने ज़्यादा ये फ्लावर करेगा। और एक और बात है कि बोगनवेलिया को ना रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, इसलिए उसको बहुत जल्दी जल्दी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटे से बोनसाई पॉट में लगाया हुआ है, इसकी मैं बोनसाई बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत नया है प्लांट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है, और आप देख सकते हैं इसमें पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ 2 या 3 ही पत्ते हैं, बाकी सब फ्लावर्स हैं। तो इसलिए इसको रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। बार बार अपने बोगनवेलिया को आप रिपोर्ट ना करें तो इससे इसकी जो फ्लावरिंग होता है वो इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जितना ये रूट बाउंड होगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लावर करेगा। और बाकी सब फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसे भी वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मिट्टी को आप 3:1 जो मैं आपको आमतौर पर बताती हूँ वो बनानी है, और इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। अब न्यूट्रिशन की बात करूँ तो आपको इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने से क्या होगा कि इसके पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, इसलिए हमेशा आपको इसको पोटेशियम देना है। पोटेशियम इसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए आप 1 चम्मच DAP और 1.5 चम्मच पोटाश इसको देंगे, लेकिन उसको भी आपको ध्यान रखना है कि आप उसको रिम के अलॉन्ग दें, कि जो आपके पॉट का रिम है ना उसके साइड में दें, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम रूट्स होती हैं और रूट्स ये एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से कर पाती हैं वहाँ से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बोगनवेलिया की केयर करनी है आगे आने वाले विंटर सीजन में, ताकि आपका जो प्लांट है वो इस तरह खूब ज़्यादा ब्लूम करे। अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं वैकेशन पर थी, घर पे फेस्टिवल्स भी चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाई, इसमें थोड़ा सा डर हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले आप टाइम में देखेंगे कि मेरा बोगनवेलिया कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।